श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शारदीय नवरात्र, जी हाँ, साल भर में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि रहती है और इसके अलावा एक चैत्रीय और एक शारदीय नवरात्रि होती है। हर एक नवरात्रि का अपना अपना महत्व रहता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजन अर्चन की जाती है और घर में कुछ लोग कलश स्थापना भी करते हैं। जी हाँ, अगर आप कलश स्थापना घर में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए, इन उपाय को कर भी आप महादेव माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, जी हाँ, देखिए ऐसे तो पूरा दिन शुभ होता है, नवरात्रि माता जी की स्थापना कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का नियम रहता है कि वो केवल शुभ मुहूर्त में ही माता जी की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग दुकानों पर भी कलश स्थापना करते हैं, कुछ लोग अपने घर पर भी कलश स्थापना करते हैं, तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो जान लीजिए। सबसे पहले शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा सुबह 6:15 से, यानी कि 6:15 से लेकर सुबह 7:20 तक शुभ मुहूर्त है। जी हाँ, पर इतनी जल्दी आप लोग स्थापना नहीं कर पाओ तो इसके बाद आता है अभिजीत मुहूर्त, जी हाँ, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। और ये अभिजीत जो मुहूर्त है वह सुबह 11:46 पर, यानी कि 12:15 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ये हुई है सबसे विशेष सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात, पर पूरे दिन भर माता जी का दिन है। आप किसी भी समय अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से जब फ्री है शांति से माता की पूजा अर्चना करो, माता जी की स्थापना करो, क्योंकि इस दिन माता जी स्वयं आपके घर पर आती है। जी है, तो माता जी का स्वागत वेलकम आपको बहुत ही अच्छे दिल से, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि जब माता हमारे यहाँ आ रही है 9 दिन के लिए आ रही है माता रानी, तो 9 दिनों में आपका खूब भंडार भरे, इसके लिए माता का स्वागत आपको विशेष मुहूर्त पर करना है और सच्चे दिल से करना है। अब हम बात करते हैं कलश स्थापना की। जी हाँ, क्या होता है कुछ लोग अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, जी हाँ, कुछ लोग ज्वारे वगैरह भी बोते हैं, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कलश स्थापना करना। आप जैसी पूजन करते हैं वैसी पूजन करो, पर कलश की स्थापना अवश्य करो। अब कलश स्थापना में कलश खाली नहीं रखा जाता है, तो देखिए सबसे पहले एक तांबे का लोटा लिया जाता है, उस तांबे के लोटे में जल भरा जाता है, पूरा ऊपर तक आपको जल भरना है, और उसके अंदर आपको जो सामग्री डालना है वो डालना है 1 का सिक्का, 1 का, 5 का, 10 का, जो आपको मिल जाए उतना का सिक्का आप उस कलश में डाल दीजिए। जी हाँ, सिक्का डालने के बाद अब आपको डालना है हल्दी की गांठ, वो भी एकदम साबुत खड़ी गांठ, कैसे टूटी हुई कीड़े लगी हुई ना हो, साबुत हल्दी की गांठ डाल देना है, और उसमें आपको डालना है 1 सुपारी, जी हाँ, पूजा की सुपारी जो होती है, पूजा की सुपारी डाल दीजिए, और फिर उस कलश के ऊपर आपको रखना है नारियल। अब जब नारियल रखोगे तो नारियल के ऊपर आपको लपेटना है मोली, यानी लच्छा, और मोली कितनी बार लपेटना है तो कम से कम आपको 9 बार मोली को लपेटना है। जी हाँ, 9 बार उस नारियल के ऊपर मोली को लपेट दे, ऐसे सिंपल साधारण नारियल नहीं रखा जाता है कलश में, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर रखना है आम के पत्ते, जी हाँ, जी हाँ, कलश में आपने देखा होगा ना आम के पत्ते लगते हैं, तो वो पत्ते कितने रखना है, ऐसा नहीं कि हमने 1 रख दिया, 1 नहीं रखा जाता है, कम से कम 5 या 7 आम के पत्ते रखे जाते हैं कलश पे। जी हाँ, ये हो गई कलश स्थापना की बात। अब उस कलश का पूजन भी किया जाता है, जी हाँ, वो भी करना सर्वश्रेष्ठ है। तो कैसे पूजन करोगे, तो जो लोटा आपने लिया है उससे बनाना है आपको स्वास्तिक, हाँ जी, लोटे पे स्वास्तिक बना दें, और जो नारियल है उस पर हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, रोली, मोली, जो आप समर्पित कर सकते हो समर्पित कर दीजिए। और एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, जब कलश स्थापना करो तो तांबे के कलश के नीचे आपको अक्षत रखना है, चावल रखना है, और फिर कलश की स्थापना करना है। इस विशेष तरीके से अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो 9 दिनों के अंदर ही माता रानी भंडार भर देती है, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि शांति आ जाती है, और घर में मांगलिक कार्य होना शुरुआत हो जाते हैं। तो विशेष तरीके से आप नारियल की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। अगर आपने अभी तक कलश की स्थापना नहीं की है तो जरूर करें कलश की स्थापना, हाँ जी, कलश की स्थापना करने से घर के अंदर शुभ कार्य होते ही होते हैं। तीसरी विशेष जानकारी और विशेष उपाय भी है, देखिए नवरात्रि में 9 दिनों तक
कुछ लोगों के घर में अखंड जोत जलती है। जी हाँ, कुछ लोग जलाते हैं और कुछ लोगों को जलाने की इच्छा भी रहती है कि हम इस साल से अखंड जोत जलाएं। पर अखंड अगर जोत जला रहे हैं तो स्मरण रहे, ध्यान रहे कि वो जोत लंबी बाती की लगाई जाती है। हाँ जी, जो अखंड जोत जलती है वो लंबी बाती की होती है, और ध्यान रखें उस बाती का मुख हमें जो रखना रहता है वो विशेष तीन दिशाओं में आप रख सकते हो। दक्षिण दिशा में बाती का मुख नहीं रखा जाता है। हाँ जी, जो लोग दक्षिण दिशा की ओर नवरात्रि की जो ज्योत का मुख रख देते हैं तो उनके घर के अंदर साल भर के अंदर कोई बड़ी घात हो जाती है, कुछ भी हो जाएगा, परेशान रहोगे, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा पूजा पाठ में, और घर में लड़ाई झगड़े कलेश होंगे, सुख समृद्धि नहीं रहेगी घर के अंदर, और बहुत कलेश होगा, और किसी भी चीज़ की दुर्घटना होने का डर बना रहेगा, और होती होती है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। तो स्मरण में रहे, ध्यान रखें, अगर आप माता रानी की अखंड जोत प्रज्वलित कर रहे हैं तो लंबी बाती की रखें, और उस जोत का मुख अगर आप पूर्व दिशा में रखते हैं, हाँ जी, अगर पूर्व की ओर रखते हैं तो घर में धन संपदा की वृद्धि करती है। जी हाँ, धन संपदा की वृद्धि बहुत होगी, संभाल नहीं पाओगे इतनी वृद्धि होगी। और अगर बाती का मुख आप रखते हो पश्चिम दिशा की ओर तो वो जो होता है वैभव बढ़ाती है। जी हाँ, घर के अंदर वैभव बढ़ेगा सभी व्यक्ति का। और अगर उस बाती का मुख आप उत्तर दिशा की ओर रखते हैं तो इससे क्या होता है, आयु बढ़ती है, घर के प्रत्येक व्यक्ति की आयु बढ़ेगी, वंश की वृद्धि होगी, उन्नति होगी और तरक्की होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि इस साल माता रानी की अखंड ज्योत प्रज्वलित करें तो दिशा का विशेष ध्यान रख के कीजिएगा। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आप यह उपाय 9 दिनों के अंदर किसी एक दिन भी कर लेते हैं तो घर के अंदर घर में मांगलिक कार्य होंगे, सुख समृद्धि शांति होगी, साथ में घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। जी हाँ, तो यह विशेष उपाय आपको नवरात्रि में करना है, घर के मुख्य द्वार पर करना है यह विशेष उपाय। आपको क्या करना है, आपको लेना है आम के पत्ते। जी हाँ, और आम के पत्तों में माँ भगवती देवी का वास होता है। जी हाँ, तो आपको आम के पत्ते लेना है, कम से कम 11, 21, 51 जितने भी आम के पत्ते आपको मिल जाए, पर कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। आपको घर के मुख्य द्वार पर उन 11 पत्तों से बंधन बार बनाना है। जी हाँ, आप फूलों की लगाते हो तो फूलों के अंदर आम के पत्ते को अटैच कर दो और उसकी माला लगा दो, और अगर फूलों की नहीं लगाते हो तो आम के पत्तों की तो लगाना ही लगाना है। जैसे आपका 1-2 मंजिल घर है तो आपको क्या करना है, घर का जो मुख्य द्वार हो, पहला मेन गेट हो, वहाँ पर आपको आम के पत्ते लगाना ही लगाना है, और कितने, कम से कम 11 आम के पत्तों का आपको बंधन बार लगाना है। केवल बंधन बार लगाने मात्र से ही आपके घर में शुभ कार्य होंगे, करके घर में मांगलिक कार्य होंगे। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगर आप यह उपाय कर लेते हैं 9 दिनों में किसी भी एक दिन, तो आपके घर में जो कह सकते हैं कि बुरी नज़र लगी हुई है वह दूर होगी होगी, और आपके जो भी मनोकामना सब यह उपाय करोगे मनोकामना पूरी होगी। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों को संतान नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, नया घर नहीं ले पा रहे, मकान नहीं बना पा रहे, यानी कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो नवरात्रि में आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय में आपको लेना है 9 लाल फूल। जी हाँ, 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद पुष्प। करना क्या है, देखिए, नवरात्रि में हम क्या करते हैं, माता रानी की तो पूजा अर्चन करते हैं पर महादेव को भूल जाते, पर इस नवरात्रि हमें शिव और शक्ति दोनों को मनाना है। जी हाँ, ये शिव शक्ति वाला उपाय है। आपको क्या करना है, आपको अपने ही घर के गमले में, जी हाँ, तुलसी माता के गमले को छोड़कर आपके घर में जो भी गमला हो उस गमले में आपको 2 शिवलिंग बनाना है। जी हाँ, 2 शिवलिंग बना पाए तो अच्छी बात है, वरना 1 शिवलिंग बना ले और एक थोड़ा सा माटी के ढेर को ऊपर कर ले। जी, क्योंकि माता रानी पिंड के रूप में विराजमान रहती है, आपको पता है वैष्णो माता पिंड के रूप में ही विराजमान है, तो आपको एक महादेव और एक माँ पार्वती का स्मरण करते हुए 2 शिवलिंग का निर्माण करना है उसी गमले की मट्टी से और गमले के अंदर ही। जी हाँ, फिर आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, दीपक प्रज्वलित कर दे, जल समर्पित कर दे दोनों पिंडी के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, आपको पुष्प समर्पित करना है। तो सबसे पहले जिस पिंडी को आपने महादेव माना है उनमें 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दे, और जिस पिंडी को आपने माँ पार्वती माना है, नवदुर्गा माना है, उन पर 9 लाल फूल अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित रहेगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है मनोकामनाएँ कीजिए। 15 मिनट के बाद आपको फूलों को पुष्प को उठा लेना है, किसी अन्य वृक्ष के नीचे डालकर आ जाना है, और जो दोनों शिवलिंग बनाए
उस शिवलिंग का विसर्जन आपको उसी गमले के अंदर कर देना है। ये नवरात्रि में आपको जब समय मिल जाए आप यह उपाय कीजिएगा और ये बहुत ही अच्छा उपाय है क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का स्मरण करने वाला उपाय है। तो यह विशेष उपाय हैं जो आप नवरात्रि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।